हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है सीआरपीसी की इस क्लास में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर ट्वेंटी फर्स्ट ए पे और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं तो Uh, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ गुंजन जी आवाज़ आ रही है मेरी प्रणाम गुड मॉर्निंग यस ठीक है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं ट्रायल पे आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया होगा और आई होप कि आप लोग उस पर अच्छा करेंगे वैसे ही प्ली बारगेनिंग पे भी आते हैं इनिशियली सी आर पी सी ओरिजिनल सी आर पी सी में प्ली बारगेनिंग नहीं था इवेन प्ली बारगेनिंग के कॉन्सेप्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं दे रहा था यह जो लेजिस्लेशन आया है थ्रू सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2006 से एग्जिस्टेंस में यह 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है और 5 जुलाई 2006 से ही एप्लीकेबल है लागू है इसके पहले अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी मैटर गए हैं तो ये उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना प्री आ, बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को पहले होता यह था कि कभी कभार जजेज मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीछे लग के कि तुम कई साल से जेल में हो कन्फेस कर लो तो तुम्हें कन्विक्शन तो होल्ड किया जाएगा लेकिन इतनी ही सजा में तुम छूट जाओगे एक केस का डिस्पोजल हो जाता था प्रोसिक्यूशन को ये था कि जो वर्क प्रोसिक्यूशन ने किया है पुलिस ने किया है वो जस्टिफाइड हो जाता था और मजिस्ट्रेट को भी उनका एक असाइंड वर्क पूरा हो जाता था टास्क पूरा होता था कोटा पूरा होता था बट ये चीजें जब कोर्ट के सामने आई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं ये एक तरह से आप क्या है कि किसी तरह का प्रलोभन देके लालच देके के, दे के इंड्यूसमेंट से दबाव से धमका के प्यार से किसी तरह से आप उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहा है आर्टिकल ट्वेंटी वन का वायलेशन है तो लेकिन आप जानते हैं कि लाज होती है जड़ नहीं होती स्टैन स्टील नहीं होती समय के साथ टाइम टू टाइम ये भी डेवलप करती रहती है पुरानी जो कॉन्सेप्ट थे बहुत सारी चीज़ें पुराने प्रीमिटिव में मेडुअल युग में इवन मॉडर्न 18, 19 सेंचुरीज में 20 सेंचुरीज में सही थी लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं चेंज आया और सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें चेंज आया और ये प्ली बार्गेनिंग जो जस्ट आफ्टर ट्रायल एक चैप्टर 21 के बाद 21 कैपिटल ए के रूप में जोड़ा गया और एक बंच ऑफ सेक्शन को एक ही नंबर पे ए से लेके एल तक दो ए से लेके कर दो एल तक में ये प्रोविज़न इनकारपोरेट किया गया समाहित किया गया अब यह है कि क्या ये अब देखिए सीआरपीसी में पहले भी ट्रायल में आपने देखा कि एक था कि कन्विक्सन ऑन प्लीट तो वहां पे भी कोर्ट क्या था कि कन, वो प्ली कर लेता था कन्फेस कर लेता था तो उसके बेस पे कन्विक्शन का प्रावधान था लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट को जज को ये डिस्क्रिशन था स्विवेकी शक्ति प्राप्त थी कि भले ही उसने कन्फेस कर लिया प्लीड कर लिया है कि हाँ उसने ऐसा अपराध किया है तो भी उसको कन्विक्ट नहीं करेगा प्रॉपर ट्रायल जो है कंडक्ट करेगा तो जो प्ली थी वहाँ बार्गेनिंग का नहीं था वहाँ आपने अपने अफेंस को एडमिट कर लिया कन्फेस कर लिया तो उसके आधार पर आपको कन्विक्सन पूरा किया जा सकता था कोर्ट को देखना क्या था कि वो जो प्लीड कर रहा है वो कहीं से किसी प्रेशर में ना हो उसका फ्री कॉन्सेंट हो इंडिपेंडेंट डिसीजन हो किसी लोभ से माया से दबाव से प्रभावित ना हो फिर जब कोर्ट क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स को लेके बात शुरू हुई ला कमीशन के तमाम रिकमेंडेशन आए रिपोर्ट्स आई क्रिमिनल कोर्ट पे नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सारा बोझ बढ़ता जा रहा था तो फिर बात आया कि कैसे कम किया जाए तो एक कंपरेटिव स्टडी पूरी दुनिया को लेके जो लॉ एक्सपर्ट थे ज्यूरिस्ट थे या इस तरह के कमीशन जो होती हैं वो अपना करती थी पब्लिक से भी इनवाइट किया जाता है कि कैसे पेंडेंसी कम की जा सकती है नंबर ऑफ केसेस कैसे कम किए जा सकते हैं तो एक कैसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है तो आप देखिए कि एक लाख कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें प्ली बारगेनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया फिर उसी के परसुएंस में जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो उस समय ये बी एस मलीमत साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के उन उनकी एक कमेटी बैठती है और यही मलीमत कमेटी ने के रिकमेंडेशन पे 2003 का अमेनमेंट एक्ट सीआरपीसी का आया जो बाद में जाके 2005 सीआरपीसी अमेंडमेंट अमेनमेंट एक्ट के रूप में जाना गया तब उसके थ्रू ये जून में जो है लागू हुआ सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट और 5 जुलाई 5 सात दो हजार से ये इसमें प्ली बार्गेनिंग 21 ए के रूप में अस्तित्व में आ गई प्ली के साथ बार्गेनिंग है यानी हम प्ली कर रहे हैं लेकिन हम कुछ बार्गेन कर रहे हैं तो बार्गेन किस से कर रहा है कि हमारे अगेंस्ट में जो चार्ज है कुछ मुझे फायदा हो जाए तो हम अपना दोष स्वीकार कर लेंगे तुम तो हमें बड़ी सजा ना दो छोटी सजा दे दो हम जेल में हैं तो जितनी सजा हमने काट ली है उतनी भी छोड़ दो या हमसे कुछ जुर्माना ले लो छोड़ लो तो ये बात तो विशुद्ध सौदेबाजी की बात आ जाती कमर्शियल एटीट्यूड आ जाता तो इसीलिए प्ली बारगेनिंग में जो स्टडी की गई तो यूएसए और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उन पे 19वीं शताब्दी 19 सेंचुरी में वर्क हो रहा था अभी भी चल रहा था हमारे यहाँ ओरिजिनल ये स्वदेशी तकनीक नहीं है ये आयात किया गया फिर मलीमत कमेटी की रिपोर्ट उसके पहले एक सौ ला कमीशन की रिपोर्ट तो अब ऑप्शन आता है किसके रिकमेंडेशन पे है तो ये मलीमत कमेटी है तो एक यदि और भी उसके साथ मोर देन वन ऑप्शन भी आंसर हो सकते हैं तो फिर एक रिपोर्ट होगी और ये भी कि कहाँ पर ये किस कंट्रीज में किस कॉन्टिनेंट पे है तो अमेरिकन में लागू है तो ये फैक्ट को भी ध्यान में रखना है तो आप देखिए मलिमत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे प्ली बार्गेनिंग यानी एक तरह की उस सौदेबाजी को कानूनी सौदेबाजी को बढ़ावा दिया गया कि अभियुक्त जो है एक्यूज अपना दोष स्वीकार कर लेगा तो उसको कुछ मिटिगेटिंग उस सौदेबाजी में उससे कुछ फायदा हो जाए यानी कि जो पनिशमेंट है सेंटेंस है उसको छोटा कर दिया जाए लेकिन ये तो केवल प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के बीच की बात थी अमेरिकन जो सेटअप है उसमें प्रोसिक्यूटर वो बार्गेनिंग करता है एक्यूज से यहाँ पे क्या गया कि यहाँ पे एक आपसी विचार विमर्श करके और उसको जो है एक सट, सटिस्फाइड डिस्पोजिशन एक उसका एक मैने संतुष्टि कारक जो है समाधान निकाला जा सके इसलिए यूज हुआ म्यूचुअली सेटिसफैक्ट्री डिस्पोजिशन पारस्परिक रूप से समाधान प्रद निस्तारण तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट आया जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन पारस्परिक रूप से समाधान ये आपका इन इसमें हुआ तो इसमें क्या हुआ कि एक तरफ यदि पुलिस केस है तो प्रोसिक्यूटर यदि प्राइवेट केस है यानी कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट फिर दूसरे एंड पे एक्यूज एक फिर बीच में पुलिस केस है तो आईओ भी कंप्लेंट केस है या पुलिस केस है दोनों में कोई ना कोई किसी को लाश हुआ है ना कोई विक्टिम है उसका अपेंस कोई हुआ है तो कोई ना कोई उसे पीड़ित होगा ना तो पीड़ित तो ये सब मिल के आ गए ये सब मिल गए तो एक बंद कमरे में बैठ के बातचीत करेंगे और एक आ, एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन निकालेंगे तो वही मीटिंग करके जब सोल्यूशन निकाल लेंगे तो कोर्ट के सामने वो जो सोल्यूशन निकालने की बैठक है जो सिटिंग है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग है तो इन वो कोर्ट में के ही पावर में एक कमरे में बैठ के बातचीत हो जाएगी जज साहब भी उसके पार्ट हैं भले ही कहीं वो बैठे हुए हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी हुई है यहाँ तक कि यदि पार्टी को ज़रूरत महसूस होती है तो काउंसिल को भी अधिवक्ता को भी उसमें बैठने का एक समाधान दिया गया है लेकिन जहाँ पे पुलिस केस है प्रसिक्यूटर के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पे वकील नहीं है लेकिन कंप्लेन केस है तो वहाँ वकील है और एक्यूज साइड से यदि ज़रूरत है पार्टी ये समझती है तो एक्यूज अपीयर हो सकता है लेकिन जहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ अधिवक्ता नहीं है तो अभी उस पर हम एक एक करके चलेंगे तो देखिए कि वो बैठ के इन कैमरा बात हो जाती है तो फिर जो फैसला होता है उस पर सारे लोग साइन करते हैं जज साहब भी साइन करते हैं मजिस्ट्रेट साहब भी साइन करते हैं और फिर ओपन कोर्ट में वो सुनाई जाती है अब ये बार्गेनिंग क्यों है कि कोर्ट अब यहाँ विक्टिम भी पिक्चर में आ गया तो विक्टिम के लिए एक कम्पनसेशन है या मुकदमेबाजी उसने किया है तो उसका वो जो जेन्यून खर्च आया है जेन्यून एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे देंगे तो कम्पनसेशन प्लस एक्सपेंसेज ये उसको मिल जाएगा तो कहीं से वो भी सेटिस्फाइड होगा सेटिसफैक्ट्री फार्म में वो दिख रहा है इसीलिए यहाँ पे सेटिसफैक्ट्री जो है म्यूचुअली सेटिसफैक्ट्री डिस्पोजिशन की बात है म्यूचुअल ढंग से सटिस्फाइड होना और उससे एक सल्यूशन उसी सल्यूशन के लिए जो है आपका डिस्पोजिशन वर्ड यूज हुआ हिंदी में उसको निस्तारण तो कहते हैं तो अब क्या हुआ तो वहां पे कंपनसेशन आया प्लस उसका एक्सपेंसेज आया प्रोसिक्यूटर ने कोशिश की कि हाँ ठीक है उसका नतीजा उन्होंने अपना गिल्ट अपना ऑफेंस एक्सेप्ट किया बार्गेनिंग से क्या निकला कि या तो उसको तीन सौ साठ का लाभ दे दिया गया तो तीन सौ साठ में भी या तो उसको प्रोवेशन ग्रांट कर दिया गया या उस को डिमानिश करके भर्सना करके छोड़ दिया गया या फिर प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत उसको कुछ रिलीफ दे दी गई ये भी नहीं हो पाया कोर्ट को लगा नहीं ये मैटर इतना नहीं है आसान तो उसको पनिशमेंट को भी कम करने का दे दिया इन्होंने और पनिशमेंट को कम करने का क्या दे दिया यदि कोई मिनिमम शर्त रखी गई है कि इससे कम नहीं एक साल से कम नहीं हो सकता तो उस मिनिमम का वन बाई टू यानी हाफ यानी कि छह महीने का दिया जा सकता है यदि मिनिमम जैसा कोई प्रोविजन नहीं है तो फिर जो मैक्सिमम है मान लीजिए चोरी है थ्री सेवेंटी नाइन में तीन साल है तो उस तीन साल का एक चौथाई यानी कि नौ महीने तो इस तरह से करके क्या है कि ये बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और इसमें आपको क्या करना है सेक्शन दो में कई धाराएं हैं वो ए कैपिटल ए से लेके कैपिटल एल तक में है अब एक एक करके ध्यान दिखना है कि आप सबसे पहले कि किन मामलों में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस चैप्टर में है तो चैप्टर ट्वेंटी आया तो 2005 के सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट से से आया कब लागू हुआ तो 5 जुलाई 2006 से लागू हुआ फिर कौन कौन से सेक्शन है तो दो ए से लेके एल तक है फिर ये आपका ये इन्फॉर्मेटिव इतने टाइटल से निकलने अब उसके बाद आता है कि किस तरह के मैटर में लागू होता है तो पुलिस रिपोर्ट एक सौ तिहत्तर दो में जो आती है उसमें भी होता है और जो प्राइवेट कंप्लेंट होता है उस पर भी अप्लीकेबल है क्या क्या इसके दायरे में नहीं आता है तो आप देखिए कि मोर देन सेवन ईयर का जहाँ पनिशमेंट है वो सीधे सीधे इसके क्षेत्र से बाहर हो गया यानी कि डेथ सेंटेंस मृत्युदंड आजीवन कारावास और सात साल से ऊपर की सजा के जहाँ प्रावधान है वो एकदम साफ बाहर निकल गया तो पहली कैटेगरी ये हो गई दूसरे इस देश की इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कहीं पे भी प्रभावित करने वाला ऑफेंस है तो ये भी बाहर निकल गया अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये टर्म क्या है ये इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं से डिक्लेरेशन होना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक अफेंस क्या है तो ये काम छोड़ दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं है कि जब मन मर्जी होगी कर लेगी उसको बाकायदा नोटिफिकेशन शासनादेश विज्ञप्ति जारी करनी होगी तो बाई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले अफेंसेज कौन है तो दूसरी श्रेणी होगी ये बाहर हो गया तीसरा ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेंस महिलाओं के विरुद्ध अपराध है तो ये बाहर हो गया तीन चौथा बिलो फो, फोर्टीन चौदह साल से नीचे के बच्चों पे के अगेंस्ट कोई अफेंस है तो वो भी प्ली बार्गेनिंग उस पर अप्लीकेबल नहीं हुआ चार तो ये सीधे सीधे बाहर हो गए एक लास्ट में आपका सेक्शन टू सिक्सटी फाइव एल में आप देखेंगे तो ये कहता है कि ये जो पूरा चैप्टर ट्वेंटी वन ए है ये जुबेनाइल एक्ट पे अप्लीकेबल नहीं है जो भी जुबेनाइल आपका एग्जिस्टिंग एक एक्ट होगा तो अभी क्या है 2000 का इसमें है कि जो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है जुम जस्टिस एक्ट जिसको कहा जाता है तो वो उस पर भी नहीं होता है तो आपने देखा कि प्ली बार्गेनिंग का ये चैप्टर और इस चैप्टर के सारे प्रोविजन किस किस पे अप्लीकेबल नहीं है तो पॉइंट वाइज देखिए सात साल के ऊपर के मामले ज़रूरत हो तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें मृत्युदंड आजीवन का कारावास हो या सात साल से ऊपर के मामले नहीं आते यानी सात साल तक के मामले प्ले बार्गनिंग में कवर होते हैं फिर दूसरा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे नहीं लागू होता तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है स्टेट गवर्नमेंट नहीं इसमें है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो तीसरा अफेंसेज अगेंस्ट वीमेंस महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें भी ये लागू नहीं होंगे जैसे मा आप तीन सौ चौवन है तीन सौ छिहत्तर है पाँच सौ नौ है तो इस तरह के अफेंसेज क्या है ने ये जुवेनाइल एक्ट नहीं लागू होगा फिर उसके अलावा चौदह साल से नीचे के चाइल्ड हैं मेल या फीमेल तो उस पर नहीं होगा और एक पूरा का पूरा एक्ट ही बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 265 कैपिटल एल ये नहीं होगा ठीक तो आपने ये देख लिया क्या, क्या क्या इसके क्षेत्र के बाहर एक है, इस एक है जब ये आ गया बाहर तो अब ये है कि इसका एडवांटेज किसको मिलेगा यानी हु विल बी अप्लीकेंट कौन इसके लिए अप्लाई करेगा तो इसके जवाब में सिर्फ एक आदमी है वह है एक्यूज ये पावर अप्लाई करने का पावर किसी और पे नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्यूज पे है तो आ गया कि एक्यूज अप्लाई करेगा अब ये आता है कि ये एक्यूज कब अप्लाई कर सकता है तो ये स्टेज आती है काग्निजेंस की स्टेज जैसे आप इसमें देखेंगे कि पुलिस केस है तो चार्जशीट आने के बाद कंप्लेंट केस है तो 204 में जो उसको सम्मन किया जाता है कोर्ट में अपियर होता है तो वो चार्जशीट के बाद ही उस पर काग्नेजेंस लिया जाता है 204 में उसको सम्मन किया जाता है तो वो काग्निजेंस का रहता है और उसके बाद की ही प्रोसीडिंग में वो अप्लाई कर सकता है यानी कि एक्यूज को अप्लाई करना पड़ता है फिर अप्लाई ऐसा नहीं है कि अप्लाई कर दिया तो वो बाध्य हो गया उसको उसके लिए उसको बकायदा एक एफिडेविट देना पड़ता है और एफिडेविट में ये बात आनी चाहिए कि वो बिना किसी दबाव के कर रहा अपनी स्वतंत्र इच्छा से यानी फ्री विल से कर रहा तो जब फ्री विल से कर रहा है तभी वो उसको लाभ मिलेगा अब तो ये आपका होगा कि अप्लिकेंट कौन होगा एक्यूज होगा तो एक एक करके इसको लेके चलते चलिए फिर अब इसके बाद कोर्ट क्या करती है उसमें फिर सारे पार्टीज को दी पुलिस केस है एक जिसमें एक सौ तिहत्तर दो की रिपोर्ट आई है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें कौन होता है तो आप देखिए जो सी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइंड है दो प में वो और पच्चीस जो ए पी पी अपॉइंट होता है वो वो दोनों इस परपज के लिए यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूज किए गए अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस केस में विक्टिम और आईओ प्लस एक्यूज आवश्यकता हो तो एक्यूज का काउंसिल इतने हो जाएंगे कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट उसका कोई वकील हो तो वो विक्टिम ये हो जाएंगे और ये बैठ के अपना क्या करेंगे कि म्यूचुअली एक कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे तो वो जो कंक्लूजन होना चाहिए कि वो म्यूचुअली सबको एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने वाला हो इसीलिए वो क्या है कि पारस्परिक रूप से समाधान संतुष्टि हो गई हो और उसका निस्तारण हो गया हो तो फिर वो रिपोर्ट निस्तारण का रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाती है कोर्ट उस पर रिपोर्ट तैयार करती है पार्टी जो जो हैं वो साइन करती है और साइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिस्पोजिशन है वो अप्लीकेबल होता और फिर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इसके साथ क्या करना है जो कंपनसेशन है विक्टिम को अवार्ड हो जाएगा और एक्यूज के हिस्से में कन्विक्शन आएगा प्ली किया है बार्गेन किया है लेकिन वो कन्विक्टेड तो होगा ही अब वो जो कन्विक्टेड होगा तो आप जानते हैं कन्विक्शन से केवल ये होता है कि हाँ इसने ये अपराध किया है और उसके बाद कितना उसको सजा मिलेगी तो उसको सेंटेंस करते हैं तो अब सेंटेंस पे क्या हो सकता है पूरा का पूरा सेंटेंस डल सकता है यानी उसको प्रोवेशन परिवक्षा का लाभ दिया जा सकता है तीन सौ साठ के तहत या उसको केवल उसको भला बुरा कह के भर्सना करके डी जो है उसको डिमानिश करके कि भाई तुम ऐसा फिर नहीं करोगे तुमने जो किया ये जो है सराहनीय कार्य नहीं था और ये अपराधी प्रवृत्ति का था कुछ भी इस तरह से करके उसकी वर्षना करके छोड़ दिया सकता है यहाँ तक कि लोग द कोर्ट टीआरसी भी कर देते हैं कि जब तक कोर्ट बैठी है तब तक खड़े रहोगे और उसके बाद उसको सजा उसको समायोजित हो जाता है उसमें फिर या ये भी नहीं है तो आपका एक एक्ट है प्रोवेशन को लेके प्रोवेशन आप ऑफेंडर एक्ट पर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम उन्नीस उसमें उसको लाभ कुछ दे दिया तो फिर वो जेल नहीं जाएगा और इसी पे छूट जाएगा सजा होने के बाद भी तो ये प्ली बार्गेनिंग से उसको फायदा है अब इन केस कोर्ट को ये लगता है कि नहीं इसका मैटर जो है इतना आसान नहीं है इसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाना चाहिए केवल कंपनसेशन विक्टिम को दे के या इसको छोड़ के काम नहीं चल सकता है तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है कि वो जो पनिशमेंट है उसमें जो मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है जैसे कई अपराध होते हैं कि इसमें अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है या अधिकतम तीन साल की सजा और न्यूनतम एक साल की तो फिर इस न्यूनतम जहाँ पे भी लिखा होगा उसके पनिशमेंट में मैंने जैसे कोई भी अपराध हुआ है तो उसमें अपराध की एक परिभाषा वाली धारा होती है फिर उसके पनिशमेंट वाली धारा होती है तीन सौ उन्यासी तीन सौ अठहत्तर में डिफाइन है तीन सौ उन्यासी में पनिशमेंट है और डिपेंड करता है जिस जिस तरह का है तीन सौ अस्सी में भी हो सकता है तीन सौ इक्यासी में हो सकता है तो यदि मान लीजिए कि कोई भी धारा है उसमें न्यूनतम है तो न्यूनतम का हाफ यहीं पे टेक्निकली आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहां न्यूनतम है वहां पे हाफ हो जाएगा पनिशमेंट और जहां न्यूनतम नहीं है वहां मैक्सिमम पनिशमेंट जैसे अधिकतम तीन साल सजा दी जा सकती है तो उस अधिकतम का एक चौथाई यानी तीन साल अधिकतम है तो कितना हो जाएगा उसको महीने में कन्वर्ट कर लिया तो बारह इन टू थ्री यानी इक्वल टू थर्टी सिक्स छत्तीस महीने तो इसका एक चार क्या होगा नौ महीने तो नौ महीने का उसको दिया जा सकता है यदि मिनिमम एक साल होता और हाफ दिया जाता तो उसे छह महीने मिलता तो इस तरह से आपको यहाँ पे टेक्निकली उसको आपको ध्यान देना है और तो अब देखिए ये प्ली बार्गेनिंग का ये फायदा उसे हुआ तो इससे क्या मकसद हासिल किया जाता है तो इन्हीं से उद्देश्य कि भाई प्रो प्ली बार्गेनिंग बहुत गंभीर अपराध में नहीं लागू होता सात साल तक के मामलों में लागू होता है तो और इसका ये प्ली बार्गेनिंग के वजह से उसका निस्तारण उस यथाशीघ्र हो सकता है और सारे लोग म्यूचुअली सेटिस्फाइड हो सकते हैं पारस्परिक रूप से समाधान सबको मिल सकता है यानी कुछ ना कुछ सबको मिल गया प्रॉसिक्यूटर को मिल गया कि उसके केस में सजा हो गई एक क्यूज को मिल गया कि वो तो बड़ा भारी दंड झेलने वाला था उसको कम से कम में भी काम चल गया सेटअप हो गया मुजरा हो गया फिर उसके बाद विक्टिम को लगा कि चलो मुकदमा लड़ने में सालों लग जाते हैं भाई जो हुआ सो हुआ हमको कुछ मुआवजा मिल गया मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई चलो एक केस इनका हल्का हुआ और कोटा भी मिल गया इनको तो ये इस तरह से प्ली बार्गेनिंग का ये एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए काम किया गया क्योंकि प्ली बार्गेनिंग का अस्तित्व ही इसीलिए आया कि जो कहा जाता है कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइल ऑफ जस्टिस यानी देर में यदि आपने न्याय किया है तो माना जाएगा कि आपने न्याय किया ही नहीं है तो ये जो कांसेप्ट था इसी को दृष्टिगत रखते हुए फिर ये डेवलपमेंट हुआ जो सुप्रीम कोर्ट 2005 के पहले तक इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया करती थी वो 2005 में आके इस मत पे आई कि कोई भी चीज यदि अच्छे कार्य के लिए किया जाता है तो मात्र इसलिए कि उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं उसको पूरा का पूरा डिनाई नहीं किया जा सकता तो इसलिए फिर प्ली बार्गेनिंग को आखिर में मलिमत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे एक अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इसमें स्थापित किया गया और 5 जुलाई 2006 से ये लागू हो गया अब क्या है कि मेंस में यदि पूछा जाए इसकी सफलता तो ये इन्होंने इतना टेक्निकल बना दिया कि एक्चुअल में कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग के केसेस बहुत ही अब रेयरेस्ट वाली पोजिशन हो गई है उससे अच्छा तो ये होता है कि अंडरगान पे छोड़ दो अब मजिस्ट्रेट साहब इसमें पहले इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू कराएं बंद कमरे में बैठक करवाएं, फिर उसका रिपोर्ट तैयार किया जाए फिर उस रिपोर्ट के बाद उसका फाइनल आपका आप ऑर्डर आप सुनाए तो एक प्रोसीजर कहीं ना कहीं से टेक्निकल हो गई इसलिए इसमें जो सक्सेस जितना डिज़ायर्ड था वो मिल नहीं पाया तो अभी इस योजना को बहुत सफल नहीं माना जा रहा है, है सही यदि प्रैक्टिस में आ जाए और एक प्रैक्टिस में आ जाए तो धीरे धीरे काफ़ी सारे मुकदमे इससे निपट जाएंगे तो खैर अभी प्रोविज़न के लेव, लेवल पे हमको काम करना है और जब मेंस का एग्जाम देना होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या नेगेटिव हैं उस पर वर्क करके आप एक जगह नोट लेंगे तो अभी प्रोविज़न पे आते हैं तो देखिए अब एक प्रश्न अब भी आता है क्या इस दो ए से एल तक के यानी चैप्टर 21 ए में यदि कोई जुडिशियल आर्डर हुआ है प्ले बार्गेनिंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए तो उसकी अपील हो सकती है तो जनरली नहीं हो सकती तो कब हो सकती है तो जो हो सकती हुए एक्सेप्शनल केसेज है जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 136 में जो एस है स्पेशल लीव पिटिशन वो सारे नियम से ऊपर है कोई भी कोर्ट हो कोई भी ट्रिब्यूनल हो उसके आर्डर के अगेंस्ट उसमें जा सकते हैं तो वो इसमें इंटैक्ट है यानी उसमें अपील हम कर सकते हैं आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट को जो पावर है वो भी आप नहीं ले सकते हैं तो वो भी इसमें बचा हुआ है ट्वेंटी वन में तो आप देखिए कि ये टू सिक्सटी फाइव जी में प्रोविज़न दिया हुआ है कि ये जो जजमेंट होगा फाइनली वो फाइनल होगा और ये फाइनल जजमेंट होने के वजह से इसमें कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती है और अपील कहाँ नहीं की जा सकती इस इस नियम का इन्होंने इसी में दे दिया क्या 136 सौ छत्तीस में एस एल पी और दो में जो रिट पावर है वो उसको छोड़ के बाकी में इसका अपील नहीं हो सकता तो आप देख लीजिए कि ये आपका बेसिक हुआ गया तो अब देखिए पहली बात अब लेके चलते हैं प्रोविजन के हिसाब से ये जो प्ली बार्गेनिंग है एक्यूज एक के रिकॉर्डिंग है वही अप्लिकेंट हो सकता है दो सौ ए वन पे आइए तो क्या कहता है कि जहाँ एक सौ दो की रिपोर्ट आती है और जहां पे कंप्लेंट आता है दोनों तरह के मामलों में लागू होते हैं फिर एक सो, दो सो ए बता देता है कि इन किन मामलों में नहीं लागू होता है तो सात साल से ऊपर में नहीं हो सकता एक सोशियो इकोनॉमिक अफेंस जो है उसमें नहीं होगा दो फीमेल के मामले में नहीं होगा और चौदह साल से नीचे वाले में नहीं होगा चार तो यही बता दिया ठीक है फिर यह कि ये सोशियो इकोनॉमिक को कौन डिसाइड करेगा तो दो ए का टू ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी ये हो गया फिर यह कि अप्लीकेशन अप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है इसका जवाब दो बी में मिला कि एक क्यूज कोर्ट में फाइल करेगा और किस कोर्ट में करेगा जहां पे ट्रायल होनी है ट्रायल कोर्ट में फाइल करेगा किस स्टेज पे करेगा तो ये जो एप्लीकेशन है एक हमेशा एक की वर्ड दिमाग में रखना है कि प्री ट्रायल प्रोसीजर पे एप्लीकेबल होती है ये प्री ट्रायल प्रोसीजर में एप्लीकेबल है तो प्री ट्रायल जो प्री बार्गेनिंग कांसेप्ट है प्री ट्रायल है यानी ट्रायल स्टार्ट होने के बाद का नहीं है तो और एक्यूज पे ही होगा फिर मैंने बताया कि पुलिस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाएगा एक्यूज को बुलाया जाएगा डेट फिक्स की जाएगी बाकी विक्टिम को आईओ को नोटिस किया जाएगा फिर उस फिक्स डेट पे लोग आएंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा एक से जो पूछना होगा वो पूछा जाएगा और फिर ये सबको बैठाने के बाद जैसे होता है कि पंचायत कर लिया तो पंचायत के बाद एक डिसीजन निकलेगा ना आपस में ताल बातचीत करके तो वो जो पंचायत की जैसे होती है पंचों की राय वो निकल के जो आती है तो उसके लिए इन्होंने कहा है म्यूचुअली डिस्पोजिशन हिंदी में पारस्परिक रूप से समाधान प्रत निस्तारण तो ये होता है इसमें विक्टिम को कम्पनसेशन मिल जाता है और जो उसके खर्चे आए हैं मुकदमे के वो मिल जाते हैं और फिर उसके बाद एक हयरिंग की डेट फिक्स होती है फिर उसके बाद ये जो म्यूचुअली कंसीडर uh, होने के बाद एक रिपोर्ट बनती है कोर्ट में ये होता है तो अब ये दो ए और पैंसठ बी हुआ दो सी में क्या होता है कि गाइडलाइंस है कि ये जो क्या क्या फॉलो किया जाएगा जो म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए गाइडलाइन कभी यदि बहुत टेक्निकल पूछना हो एक समय एग्जाम में जब स्टूडेंट का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है सीटें कम होती है तब टेक्निकली और कठिन से कठिन की तरफ जाने लगते हैं तब पता लगा कि दो से लेकर एल तक के जो कैपिटल टाइटल्स हैं वो भी मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं तो यूं तो हमें अभी नहीं लग रहा है लेकिन यदि आप के दिमाग में बैठ सके तो कहीं ना कोई क्लू बना के जैसे गाइडलाइंस दिया है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए तो वो आपका टू सिक्सटी फाइव सी में है अप्लीकेशन आपने देखा बी में था ठीक है और अप्लीकेबिलिटी जो दिया था कि एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर वो ए में था तो अब सी में गाइडलाइंस दिया गया कि गाइडलाइंस में अभी हमने जैसा आप लोगों से डिस्कस किया वही है कि उस गाइडलाइन में वो प्रोसीजर बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस ऑफिसर एक्यूज और विक्टिम वो आएंगे और ये सारी प्रोसीडिंग क्या होगी वॉल्टरली होगी स्वेच्छा से होगी कोई दबाव नहीं देगा कोई भी और एडवोकेट जहां जरूरत होगी वो दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहां रहेगा वहां एडवोकेट अलाउ नहीं होगा लेकिन बाकी के मामले में वेक्यूज और विक्टिम दोनों जो है एडवोकेट की मदद ले सकते हैं ये गाइडलाइंस दो सी में मिल जाता है फिर ये होता है कि ये जो गाइडलाइंस और प्रोसीजर को फॉलो करके जो डिस्पोजिशन म्यूचुअली सेटिस्फाइड करने वाला निकल के आया अब वो क्या होगा निकल के आया तो नहीं निकल के आया तो दो कंडीशन है निकल के आया तो पूरी एक रिपोर्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का पीठासीन अधिकारी वो तैयार करेगा और सारी सारे लोग उस पर अपना साइन करेंगे जो बैठे हुए हैं और ये प्रोसीडिंग सारी क्या हुआ था बैठक जो हुई थी गुपचुप तरीके से इन कैमरा बंद इन कैमरा मतलब बंद कमरे में ये सारी प्रक्रिया भाई लेन देन की बात हो रही है तो उस कंडीशन में बाहर तो तमाशा लग जाएगा ना एक व्यापार वाला सौदेबाजी वाली बात हो गई तो इसीलिए कोर्ट की भी गरिमा को बनाए रखने के लिए या पार्टी की गरिमा को भी बनाए रखने के लिए वो कर दिया जाएगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी तो अब आप देखिए कि ये फिर आपका दो टू सिक्सटी फाइव डी में ये होगा और मान लीजिए कि कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर बैक गेयर में गाड़ी चली जाएगी यानी जहां उसने एप्लीकेशन जिस स्टेज पे दिया था काग्निजेंस के स्टेज पे वहीं से फिर प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाएगी और बीच का ये हवा हवाई हो जाएगा यानी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अब कोई मतलब नहीं रहेगा तो एक मतलब आप इससे भी निकाल लीजिए कि एक्यूज ने जब एप्लीकेशन दिया होगा तो एक तरह से कन्फेशनल होता है ना कि हम हाँ अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हैं यदि ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो तो अब तो उसका लाभ लेकर हम सजा दिला सकते हैं ना चले तो भी तो यहाँ ये बार है यहाँ रोक है ये अधिनियम का में जो ये थ्रू अमेंडमेंट ये इंसर्ट किया गया अंतर स्थापित किया गया वो ये कहता है कि नहीं उस समय का लाभ आप बाद में नहीं ले सकते वो एक अलग तरह की चीज़ थी एक अलग मोमेंट था उसमें बात जो कही गई आप उस जुडिशियल नोटिस में नहीं रख सकते ना ही आप कोई भी पार्टी कोई भी आदमी उसका लेके के हाँ इन्होंने ऐसा कहा था ये देखिए लिखा पड़ी में है अब तो इनको सजा मिलनी चाहिए ऐसा नहीं कर सकते उसका उसके अगेंस्ट में नहीं ले सकते इसीलिए चैप्टर इक्कीस एक ए के प्रोविजन को इंडिपेंडेंट बनाया गया यानी कि सीआरपीसी के बाकी के प्रोविजन से इसका क्लैश होगा तो इक्कीस ए प्रिवेल करेगी ये ऊपर रहेगी और सीआरपीसी नीचे रहेगी और बाकी किसी भी एक्ट में कुछ भी हो फिर ये ऊपर रहेगी ऐसा ना हो तो आप सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट में वो जो कहा जाता ना कि कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, जो बात स्वीकार कर ली गई है उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है फिफ्टी एट में तो यहां तो स्वीकार किया था इसने तो उसको तो मान लेना चाहिए तो उस फिफ्टी एट का भी इस पर रोक नहीं रहेगा ठीक है ना तो आ, आपने देखा कि तो ये है कि इसमें आते हैं कि अब वहीं से यदि नहीं कोई डिस्पोजल बन पाया कोई निपटारा नहीं निकल पाया तो बैक डेट में जहां से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था वहीं से फिर से चालू हो जाएगा और यदि निपटारा निकल गया है तो फिर उस पर फाइनल आर्डर होता है जजमेंट के रूप में और जजमेंट में जो फाइनल आर्डर होता है उस पर आपका दो ई e में आइए तो ये कहता क्या क्या हो सकता है कि जो विक्टिम आई उसको रुपये पैसे में मदद मिल गई यानी कंपनसेशन उसको निपटाया उसको दे दिया डिलीवर्ड कर दिया कंपनसेशन और फिर क्वांटम मे दंड की क्या मात्रा होगी वो तय करना होता है तो दंड की मात्रा तय करने से पहले वो ये देख लेता है क्या 360 का इसको बेनिफिट दिया जा सकता है 360 सौ सी का यानी प्रोबेशन का तो प्रोबेशन पर जाओ भैया साल भर तक सही आचरण बनाए रखना और तो थोड़ा भी गड़बड़ किए तो फिर तुम्हारी ये सारी बेल बांध स्योटी जब्त हो जाएगी और फिर से जेल जाना पड़ेगा तब हम तय करेंगे कि कितना जेल में तुम्हें रहना पड़ेगा तो वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस होता है प्रोबेशन से स्थगित हो जाता है दंड की मात्रा यदि आपने जो वादा किया है उसको निभा देते हैं तो दैट इज प्रोविशन अब प्रोविशन का ही एक काइंड ये है कि भाई तुम्हारी आलोचना कर दिए हमने और काम खत्म ठीक है भाई ऐसी गलती मत करना जो किया उसके हम बहुत भर्सना करते हैं तुम्हारी घोर निंदा करते हैं तो भर्सना पे कर दिया वो भी नहीं किया तो फिर कहीं उसको उन्नीस सौ अंठावन के प्रोविशन ऑफ अफेंडर एक्ट में कोई प्रोविजन का बेनिफिट मिल सकता है तो वो दे दिए ये सब नहीं किए और यदि लगा कि नहीं इसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाना है तब वो सेंटेंस का जो क्वांटम है उसको डिसाइड करता है पार्टीज को सुनता है और उसके बाद जो मैंने बताया कि जो यदि मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है विहित है तो उसका हाफ और यदि वो नहीं है तो मैक्सिमम का वन फोर्थ ये आपको मिला दो सौ ई में सी में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे तो ये बहुत ध्यान से रखिएगा ये अक्सर पूछा जाता है और जब कभी इस तरह आए तो साल को महीने में कन्वर्ट कर लीजिए और हाफ करना हो तो इस तरह अब जैसे मान लीजिए कि एक ही सजा है अब इसमें तो सात साल से ऊपर का नहीं होता है लेकिन सपोज करिए यदि होता और आजीवन कारावास होता तो आपको कैसे उसको जोड़ते हैं उसका तो आधा हो नहीं सकता तो आप उसका आधा कैसे हो सकता है वो आप देखिए फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन आईपीसी का यहीं भी आप लोगों को एक बता हाँ तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात आई है तो इसमें नहीं चैप्टर इक्कीस से बाहर की चीज बता रहा हूं कि आजीवन कारावास का आधा नहीं हो सकता ये हमने देखा है कि बहुत जजेज भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सीनियर काउंसिल भी इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं तो आज इसे आप लोग पकड़ लीजिएगा जरूर वो ये है कि आजीवन कारावास का आधा हो नहीं सकता लेकिन किसी मिनिमम मनिश और मैक्सिमम पनिशमेंट की जैसी कहीं स्थिति आती है तो उसकी गणना 20 साल के बराबर की जाती है तो ये इसीलिए कई बार भ्रम में लोग कर देते हैं आजीवन कारावास मतलब 20 साल की सजा नहीं आजीवन कारावास का मतलब कारावास आजीवन भर के लिए इसलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितने डिसीजंस आते हैं वही लाइफ टाइम है वो उसका मतलब तो ये 57 सेवन में लिखा है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेल बी रेकंड एज इक्विलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 इयर्स तो केवल वो वही है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात इस तरह आती है तो आजीवन कारावास का भी आधा हो सकता है भाई प्रोविजन ऑफ फिफ्टी सेवन ऑफ आईपीसी की धारा संतावन में यह बंद किया गया है लेकिन आजीवन कारावास का मतलब पूरे जीवन भर के कारावास से है ठीक है ना वो जो 20 साल 57 में लिखा है वो केवल गणना के पर्पज से कैलकुलेशन के पर्पज से है ओके तो हम लोगों ने देखा पनिशमेंट अब जजमेंट का भी क्या है जो प्रोसीडिंग थी इन कैमरा थी बंद कमरे में थी लेकिन जो उसका रिजल्ट आया आउटकम आया वो आया कैसा ओपन कोर्ट में क्यों गुपचुप तरीके से नहीं कर सकते आप एक गरिमा पार्टी की भी कोर्ट की भी गरिमा के लिए तो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर दिया आपने लेकिन अब खुलेआम उसकी घोषणा करनी पड़ेगी कि किस क्योंकि अपराध है और अपराध समाज के प्रति माना जाता है अफेंस जो होता है वो एक ऐसा एक्ट है जो पब्लिक के अगेंस्ट माना जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है इसलिए उसको ओपन में सुनाना पड़ेगा इसीलिए 265 का एफ दो सौ पैंसठ कहता है कि निर्णय जो होगा जजमेंट वो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा और उस पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी यानी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो होगा उसको खुले न्यायालय में उसको सुन सुना के उस पर हस्ताक्षर करेगा फिर अगला ही सेक्शन टू पैंसठ दो सौ पैंसठ जी कह देता है कि ये जो जजमेंट आया ये फाइनल है भाई इसकी अपील नहीं हो सकती लेकिन आप जानते हैं कि कोई चीज़ लिखी गई रहती है तो उसके साथ एक इनहेरेंट चीज़ें भी होती हैं ला जो होती है वो प्रिवेल करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ला जो है वो क्या है सुपर ला है सुप्रीम ला है और सारा वो जो जब जूरू में आप पढ़ते हैं जो कैल्सन की थ्योरी है ग्रैंड नार की तो यूँ समझिए कि ग्रैंड नार हमारे इंडिया में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी सारे अधिनियम अपनी वैलिडिटी वैधता प्राप्त करते हैं तो इसलिए क्या हुआ कि संविधान से तो नहीं बच पाएंगे यानी कि संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है नकेल कसने की यानी कि हर मामले में भी वो सुन सकते हैं तो 136 में एस है और 226 और 227 में हाई कोर्ट में अपील है तो वो उस वो इस सामान्य नियम का एक अपवाद है ये आपको दो जी में मिल गया अब यह है कि प्ली बार्गेनिंग केस को डिसाइड करने वाली है जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके पावर क्या होंगे तो वो जो क्रिमिनल एक्ट प्रोसीडिंग में जो पावर बेल में एक्सेप्ट एक्सरसाइज करता है ट्रायल में एक्सरसाइज करता है केस के डिस्पोजल में करता है और जो उसके अधिकार जो इख्तियार होते हैं जो होते हैं वो सब इसमें भी होंगे ये एक्ट को ब्लैंक चेक आपका टू सिक्सटी फाइव एच ने दे दिया अब सेट आपका एक कॉन्सेप्ट आया पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन सेट आप क्या है मुजरा करना है जो सीपीसी में आपने पढ़ा तो यह मुजरा कर लिया जाता है यानी कि जो बिताई आवा नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी जो जेल में जितना टाइम आदमी काटा होता है उसको उस सज़ा में से घटा लिया जाता है और बाकायदा इसके लिए कोर्ट स्पीकिंग आर्डर भी करती है तो अब इसलिए 428 सीआरपीसी इस मामले में रिलेवेंट है और इसलिए ये कह रहा है कि 428 में जो प्रोविजन है वो इसमें भी लागू होगा और सेटअप हो जाएगा यानी कि मुजरा हो जाएगा जो तुमने जेल में समय बिताई है और जो तुम्हें दिया गया है एक बट्टे चार या एक बट्टे दो उसमें वो टाइम भी समायोजित हो जाएगी एडजस्ट हो जाएगी फिर लास्ट में आता है फिर आता है जे 265 सिक्सटी जे ये सेविंग क्लास है सेविंग क्लास जैसा मैंने बताया ना कि इस चैप्टर चैप्टर ट्वेंटी ए में जो भी प्रोविजन है वो सीआरपीसी में चाहे जो भी हो उसके बाद भी इसका इफेक्ट क्या होगा प्रिविलिंग हो यानी ये वरीयता पाएगी ये प्रावधान और जब कभी भी व्याख्या की निर्वचन की बात आएगी इस 21 ए के प्रावधान की सीआरपीसी के दूसरे प्रावधानों से या किसी अन्य अधिनियम के तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाएगा जिससे इस चैप्टर को इफेक्ट दिया जा सके ना कि इसमें बाधा खड़ी करने वाली यानी एक एक तरह से कोर्ट के लिए ये गाइडलाइंस हो गया कि आप इस चैप्टर के प्रोविजन को बाकी कहीं के भी प्रोविजन से कैसे इंटरप्रेट करेंगे तो ये आपका और एक मैंडेट है इसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन करके बताया अभी पूछ दिया यदि कि चैप्टर ट्वेंटी वन ए या प्ली बारगेनिंग के पर्पज से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब है तो इसका मतलब वही है जो सेक्शन टू यू में या हिंदी में टू प में दिया हुआ है या और जो पच्चीस ए पच्चीस के तहत अपॉइंट होते हैं ए पी पी तो इस तरह से आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पे डिफाइंड हो गया अब जो मैंने कहा ना कि प्ली बार्गेनिंग किया म्यूचुअली सटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आपस में एक दूसरों का समाधान हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो तो जो उसने एक्सेप्ट किया कहीं उसके अगेंस्ट में ना हो जाए तो इसलिए स्पेसिफिक इस प्रोविजन दो के में बना दिया गया कि जो प्ली बार्गेनिंग हुई है जो प्ली सौदेबाजी ये हुआ है दो बी में एप्लीकेशन डालने के बाद तो उसमें जो भी स्टेटमेंट आया कोर्ट के सामने जो भी फैक्ट सामने आए उसका यूज़ केवल इसी चैप्टर के तहत किया जा सकता है बाकी कहीं भी नहीं और किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं तो ये एकदम साफ साफ खोल के इन्होंने रख दिया और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि लास्ट में जो एल है दो एल वो ये कहता है कि ये पूरा जो जुबेनाइल का अरे ये जो पूरा प्री बार्गेनिंग का प्रोविज़न है ये जुबेनाइल्स के मामले में लागू नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग प्री बार्गेनिंग का एक आप देखते हैं और आई थिंक ये आप लोग को पसंद आया होगा और ये पूरा ये कॉन्सेप्ट उसका डेवलपमेंट उसके पर्पज प्रोविजन सब क्लियर हैं किसी को कोई डाउट एनी क्वेश्चन बताएं भाई लोकेश जी अंकित जी गुंजन यदि सारे डाउट क्लियर हैं तो ये मेरा अचीवमेंट है और नहीं है तो अभी भी पूरा किया जा सकता है एक क्वेश्चन है आलोक मौर्य जी का कि यह चूंकि समवर्ती सूची का विषय है सीआरपीसी तो समवर्ती सूची पर तो कानून जो है ये भी बना सकती है तो कौन रोक रहा है भाई समवर्ती सूची पे कानून तो राज्य भी बना कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस होगा जहाँ पे सेंट्रल द्वारा नोटिफाई करने की बात लिखी गई है वहाँ स्टेट होगी तो बन सकती है तो कहाँ बनाया है इसने नहीं बनाया है ना और जब नहीं बनाया है तो उस पॉइंट पे जो सेंट्रल का है वो अप्लीकेबल रहेगा और स्टेट ने बना दिया फिर सेंट्रल ने भी उसको कर दिया तो आप देखिए कि फिर दोनों में क्लैश होने पे फिर तो सेंट्रल जो है प्रिवेल कर जाएगी अनलेस कि स्टेट वाला बात के ना हो और उसको गवर्नमेंट उसका प्रेसिडेंट का कुछ अप्रूवल ना मिला हो तो आप ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो दोनों में क्लासेस की पोजिशन में 248 आर्टिकल 248 पढ़ेंगे तो उसके लाइट में चीजें हो जाएगी तो ठीक है आपका क्वेश्चन सही है कि कानकरेंट लिस्ट में है कानून बनाने की दोनों की शक्ति होती है लेकिन जब कोई विरोधी नहीं है तो सेंट्रल तो लागू होगा ही ना भाई जब तक नहीं मनाती है तब तक आप मान लीजिए उसको इज इट क्लियर आलोक जी ठीक है ओके और किसी को कोई चलो अच्छा भाई ठीक है भाई यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो मान लेता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको तैयार कर लिया है और बढ़िया है तो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सैटरडे में Okay, thank you everybody.